मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जॉब के ऊपर कोरोना के क्या इम्पैक्ट आए हैं, कोरोना की वजह से जॉब में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको क्या करना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए बिजनेस में जाना चाहिए, क्या वीकनेस रही होंगे उनकी जिसकी वजह से उनका जॉब चला गया इस सिचुएशन पे। ऑल्दो एनवायरमेंटल कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, आई एग्री विद यू, लेकिन उसके अलावा कुछ ना कुछ कमियां अपनी भी रही होंगी, तो उनको भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे और ये भी सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसमें से बिजनेस शुरू करना चाह रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि नहीं, हमें वापस से जॉब में जाना है। तो आज इस वीडियो के अंदर तीन चीजें पता लगेंगी, हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारे ऊपर फ्यूचर में अगर कभी ऐसी कंडीशंस हो, इन्वायरमेंटल हो या कोई और प्रॉब्लम हो कंपनी में, तो हमारे ऊपर सबसे लास्ट में प्रेशर आए, हम अपने प्रेशर को सेव कर लें। दूसरा, हमें अगर नई जॉब ज्वाइन करनी है तो हमें किस क्राइटेरिया पे नई जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। और अगर हमें बिजनेस में जाना है, अगर हम बिजनेस में वंडर्स करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके भी कुछ पॉइंट्स हमें नोट करने चाहिए। तो आगे चलते हैं, एक बड़ा फेमस है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधरे। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं हमारी जॉब गई क्यों है, क्या रीजन रहे हैं कि हमारी जॉब चली गई। हम जब भी कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं तो तीन बड़े फैक्टर हैं, तीन टी हैं जिनके ऊपर ये काम होता है, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टैलेंट। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टैलेंट अगर आप में है तो आप कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। और आइसिंग ऑन केक बोलते हैं ना, वो है बटरिंग। कभी कभी हमें कॉर्पोरेट्स में बॉसेस की, एनवायरमेंटल में सीनियर लोगों की बटरिंग करनी पड़ती है, विच यू कैन अंडरस्टैंड, जो लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं उनको एक मालूम है। लेकिन ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टैलेंट ये तो चाहिए, बेसिक है, तो डेफिनेटली आप में ये रहा होगा तभी आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे। तो अब हम लेके चलते हैं कि हाउ, क्या हुआ होगा। पहली कंडीशन हम लेते हैं कि आप कॉर्पोरेट में से किसी वजह से निकाल दिए गए। हाल तो गवर्नमेंट बहुत कुछ बोल रही है कि नहीं निकालो, पेमेंट दो, वो कोशिश भी कर रहे हैं, बट हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। बहुत सारी जॉब चली गई हैं, लैक्स में, मिलियंस में हैं ये जॉब्स जो चली गई हैं, तो हमें ये बात करनी चाहिए कि जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं। तो अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जॉब चली गई, सबसे नंबर वन पॉइंट, लेकिन आपका बॉस वही है, उसी कंपनी में है, उसी पोजिशन पे है, एंड ही इज स्टिल देयर enjoying all the benefits, nothing changed for you towards the boss angle. आपका बहुत कुछ चेंज हो गया, आपकी तो जॉब ही चलेगी, लेकिन बॉस की तरफ से आपका कुछ चेंज हो, तो इसको कहते हैं इनर सर्कल। आप कभी ना कभी बॉस के इनर सर्कल में रहे होंगे, लेकिन उस इनर सर्कल से कब आप बाहर हो गए ऑर्बिट में से आपको पता नहीं चला, आपकी जजमेंट गलत होगी, आप जजमेंटल हो गए। क्योंकि जब ऐसे टफ टाइम आते हैं तो एक कॉर्पोरेट में वर्ड यूज होता है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, उसमें वो लोग अंदर रह जाते हैं जो लोग बॉस के बहुत इनर सर्कल में, और बाकी लोग भेंट चढ़ जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के। तो मेरा ये है कि आपने सही ढंग से जज नहीं किया, यही कमी रहेगी, आप जजमेंटल हो गए, आपने लगा नहीं नहीं मैं तो बहुत क्लोज हूं बॉस के, इनर सर्कल का मेंबर हूं, मुझे तो कोई नहीं निकाल सकता। तो पहला ऑप्शन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप चेक करें। नाउ वी विल गो ऑन द सेकेंड, कि बॉस चेंज हो गया। अगर बॉस चेंज हो गया, और जो मैं फैक्टर्स बोल रहा हूं ये बहुत पहले हो चुके होंगे, सडन नहीं होंगे। पहला फैक्टर तो आपका, जैसे मैंने आपको बोला है कि बॉस वही है और आपको कह दिया गया कि आप जाइए, हमारे को जरूरत नहीं है, तो ये पिछले 6-8 महीने से आप जजमेंटल हो रहे थे, जज नहीं कर पा रहे थे। तो ये पुराने आपको मैं पिछले एक साल के ओरा में लेके जाना चाहता हूँ कि एक साल हुआ क्या था वहां पे, बॉस चेंज हो गया, 6 महीने 8 महीने साल पहले आपका बॉस चेंज हो गया, आप नया बॉस आ गया, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं। क्योंकि जो मैंने बताया तीन चीजें बेसिक चाहिए, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टैलेंट। कई बार जो बॉस हैं, आप भी अगर बॉस हैं, आपके नीचे भी टीम होगी कॉर्पोरेट में, तो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा फोकस हो जाता है जो नया बॉस आ गया, वो उन लोगों को चाहेगा जिस पे उसका ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है।
आपको वो बिल्डअप करनी है, या तो आप बिल्डअप नहीं कर पाए और या उसने उसमें जाने की कोशिश ही नहीं की। उसने कहा मेरी अपनी टीम है, आई एम हैप्पी विद दैट टीम, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी टीम को शिफ्ट कर लिया और उस शिफ्टिंग के बाद आपकी जॉब चली गई। तो ये 6-8 महीने पहले हुआ होगा तो आपको क्या करना चाहिए था, या तो आपको अपना डिविजन चेंज कर लेना चाहिए था कॉर्पोरेट में, या आपको कोई और कॉर्पोरेट ढूंढ लेना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी रही कि कबूतर कभी कभी बिल्ली को देख के आईज क्लोज कर लेता है और सोचता बिल्ली चलेगी, ऐसा होता नहीं, बिल्ली मार देती है। तो हमें भी ये देखना है कि हमें कबूतर की तरह आईज क्लोज नहीं करना, हमें ये करना है कि जो पोजिशन चल रही है उनको आराम से जज कर, सो दैट वी कैन विन द बैटल। अब हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस में बिलो एवरेज रहे या एवरेज रहे तो भी एक कारण हो सकता है। एवरीथिंग वी कैन नॉट से कि एक्सटर्नल फैक्टर है। अब इसका हम एवरेज कैसे निकालना है, ऐसा नहीं कि आपका एक क्वार्टर खराब हो गया तो आप बिलो एवरेज आ गए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर द कॉर्पोरेट पीपल जिनकी जॉब गई है या जो वर्च्यू ऑफ उस स्टेज पे है कि जॉब जा सकती है। कॉर्पोरेट्स के कुछ नॉर्म्स बोल रहा हूँ, थोड़े टिपिकल नॉर्म्स हैं, बट उन सबको समझ में आते हैं जो लोग ये कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं। QBR होता है, क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू इन द क्वार्टर्स। आपने मान लो 2 साल एक कॉर्पोरेट में काम किया है, ठीक है, और उस 2 साल में आपके लगभग 8 QBR हुए होंगे। उस QBR की परफॉर्मेंस आपको आई होगी थ्रू HR। अगर उनमें से 4 QBR फाइन है, ए ग्रेड में है, एक्सलेंट है, तो आप गुड पोजीशन में हैं, एक्सलेंट पोजीशन में कॉर्पोरेट। बिकॉज वहां ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एवरी क्वार्टर यू हैव टू परफॉर्म, ये प्रेशर रहता है, बट आप परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन रहती है, कभी आप एवरेज पर रहोगे, कभी गुड और कभी एक्सलेंट। तो 4 अगर आपके एक्सलेंट हैं तो बहुत बढ़िया, अगर 4 में से 3 है तो आप गुड क्राइटेरिया में आगे, और गलती से उनमें से 2 ही हैं तो आप एवरेज के आसपास घूम रहे हो। और ये आपको पहले ही जज कर लेना चाहिए, या तो अपने आप को इम्प्रूव कर लेना चाहिए था, या कई बार कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो जॉब चेंज कर लेनी चाहिए थी, नहीं तो ये सडन आपको प्रेशर आएगा और आ चुका होगा या आने वाला। और थर्ड ये है कि अगर गलती से उनमें से 1 ही एक्सलेंट है और बाकी 100 है तो डेफिनेटली यू आर बिलो एवरेज, तो ये हमारी गलती है, हमने उस पर काम नहीं किया और उस परफॉर्मेंस पैरामीटर की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई।